सर जब भी मैं नेट में या मैच में एक्स्ट्रा एनर्जी से बोल्ड करने जाता हूँ ना, तो मेरा हेड, जब मैं बैक लगाने जाता हूँ और एक्स्ट्रा करने जाता हूँ, मेरा बहुत हेड गिरता है सर। बेटा ये जो आप हेड फॉल की प्रॉब्लम कह रहे हो ना, इसमें सबसे बड़ा रोल पता है क्या है कि नॉन बॉलिंग आर्म आप कितना लीड कर रहे हो और कितना अच्छे से इसका यूज़ कर रहे हो। अगर वो चीज़ नहीं करोगे ना, तो मुझे लगता है कि आपको ये प्रॉब्लम ऑलवेज आएगी जब भी आप एनर्जी लगाने की कोशिश करेंगे, जब आप अच्छा फिनिश करने की कोशिश करेंगे। तो आप अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, अच्छे लेवल पर खेलेंगे, तो आपको एक्स्ट्रा एनर्जेटिक बॉल डालनी पड़ेगी, शार्पनेस होनी चाहिए, और उसमें अगर आपके टेक्निकली कुछ इश्यूज़ हैं तो आपको दिक्कत आएगी। जैसे कि मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ आपने किन चीज़ों पर ध्यान रखना है। आप एज ए लेफ्ट आर्म स्पिनर हो तो आपने ध्यान रखना है, जब भी आप अपनी मतलब बॉलिंग लेग पे पहुंचते हैं, जब बॉल डाल रहे होते हैं, तो ये जो हाथ है ना आपका, ये हल्का सा भी इधर फॉल होता है, ये शोल्डर हमारा इधर फॉल होता है, तो हमारा ये शोल्डर हमारी नेक से कनेक्ट है, हेड पूरा सब कुछ हमारा बॉडी है ना एक दूसरे से कनेक्ट है। एक चीज़ गलत होती है तो उसके साथ साथ हमारा हेड फॉल होता है, हमारा बॉडी वेट गिरने लगता है, और जिस कारण हमारी जो कंसिस्टेंसी है उसमें प्रॉब्लम आती है, हम पूरी दम से बॉलिंग नहीं कर पाते, हमारे अंदर डाउट्स क्रिएट हो जाते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आप अपने नॉन बॉलिंग आर्म को ना जितना बैट्समैन की तरफ फिनिश करेंगे, तो उससे होगा क्या कि जो आपका शोल्डर है बैट्समैन की तरफ रहेगा, ये जो आर्म का जो शोल्डर है बैट्समैन की तरफ फिनिश रहेगा, आपका हेड स्टिल रहेगा, और आप मेरे को लगता है जब ये चीज़ें आपकी ठीक रहेंगी तो आप बड़ी कमाल की बॉलिंग कर सकते हैं, बड़े कंट्रोल के साथ बॉलिंग कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं आपकी बॉलिंग में कमांड दिखेगी, जो कि हर एक स्पिनर के अंदर, हर एक बॉलर के अंदर दिखनी चाहिए। तो मैं इसके लिए यही कहूँगा कि जब भी आप खड़े खड़े ड्रिल कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो आपने ये चीज़ पर बड़ा ध्यान रखना है, ऐसे कि पूरा फिनिश रहना चाहिए, शोल्डर सामने आना चाहिए, और आप कुछ एक्सरसाइज हैं थायरामेंट के थ्रू जो मैंने बता रखे हैं वो सब आप करेंगे, तो आप होपफुली आप बड़ा अच्छा काम कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी।